जिन लोगों को पूरी वीडियो नहीं देखी वो लास्ट के 2 मिनट देख सकते हैं और यहाँ से जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आई डोंट लाइक बॉडी बिल्डिंग या फिर आई हेट जिम। द थिंग इज, आज तक किसी ने मुझे कोई वैलिड रीजन नहीं दिया जिम जाने का। फेसबुक से लेके इंस्टा तक और पहले टिकटॉक भी आधे नंगे लोगों की फोटो से भरा हो। ओके, बिलीव मी और नॉट, इवन बॉयज विल स्टॉप एट दिस पिक टू सी हिज बॉडी फॉर वंस। #NoHomo एंड एक्चुअली यही एक रीजन है कि आप जिम ज्वाइन करना चाहते हो। मेरी एज के 70 to 75% बॉयज खासकर या फिर टीनेजर्स जिम जाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें एक हॉट गर्लफ्रेंड चाहिए। और फिर 6 महीने से लेके 1 साल तक जिम में अपना खून पसीना एक करने के बाद वो इंस्टाग्राम पे ऐसी फोटोज डालते हैं। कई लोग तो अपनी बॉडी से इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं कि कपड़े ही कम पहनने लग जाते हैं ताकि वो अपने बिग ब्रेस्ट बिग चेस्ट दिखा सके। लुलिया मांगे ले, लुलिया का मांगे ले। थारा मूड खराब कर दिया। जिम जाने के वालों के भी अलग ही नशे होते हैं। फर्स्ट डे एट द जिम मिरर के सामने टी शर्ट उतार के फोटोज खींचेंगे एंड देन लुलिया मांगे ले, लुलिया का मांगे ले। #fit #gymlover #fitnessfreak बे साले। ऐसी फोटोज जिसमें इनकी अतड़ियां शीशे में झांक रही होती हैं और शीशा चिल्ला चिल्ला के इनके फेफड़ों से कह रहा होता है कि दूर हो जा मेरी नजरों से, क्योंकि पीछे रखा हुआ जो डंबल है ना उसके भी हैंडल तेरे बाइसेप्स से ज्यादा स्ट्रांग लगते हैं। दूर हो जा मेरी नजरों से। देखो, मैं जिम के खिलाफ ना ही हूँ ना ही आई हेट द जिम गोअर्स या फिर फिटनेस फ्रीक्स। झूठ बोल रहा है। लेकिन तुम अगर जिम इसलिए जाते हो कि लोहे के खंभों के साथ अश्लील रोमांस की फोटोज और वीडियोस बना के फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके लड़के और लड़कियों का पसीना निकाल सको तो प्लीज बंद करो। और अगर तुम जिम इसलिए जाते हो ताकि अपने फ्रेंड्स को अपने एप्स दिखा के उन्हें सेड्यूस कर सको तो प्लीज भाई बंद करो। और या फिर अगर तुम्हें बॉडी बना के ऐसे प्रैंक्स करने हैं तो भाई प्लीज। Seriously, what the fuck are you doing? छोड़ दो यार, छोड़ दो, क्योंकि मैं ना प्रैंक्स के ऊपर भी वीडियो बना बना के थक गया हूँ। सो प्लीज जस्ट स्टॉप इट। अगर ये वीडियो देख के किसी के दिल, दिमाग, फेफड़ों, घुटनों पे कोई असर हुआ हो तो उसके लिए सॉरी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिम असल में इसलिए बना था ताकि लोग अपनी बॉडी को फिट रख सकें और उनकी बॉडी ज्यादा ओबीज ना हो जाए, या फिर अगर वो बहुत ज्यादा पतले हैं, हड्डी जैसे हैं, तो उनकी बॉडी पे कुछ मसल्स आ जाएं ताकि वो नॉर्मल लाइफ ठीक से जी सकें, ताकि उनकी बॉडी में एनर्जी बनी रहे वगैरह वगैरह। या फिर दूसरी चीज, जो बॉडी बनाते हैं बिग चेस्ट और एब्स वगैरह, मतलब इस तरीके की बॉडी बनाते हैं, वो इसलिए बॉडी बनाते हैं ताकि वो स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट कर सके। किस तरीके के स्पोर्ट्स? जो बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप्स वगैरह होती हैं। और या फिर थर्ड एंड द लास्ट मोटो जो होता है वो खुद एक जिम स्टार्ट करने का होता है। तुम सोच के देखो, तुमने बॉडी बना ली, देन यू हैव यू विल ओनली हैव अ गर्लफ्रेंड एंड सम फ्रेंड्स जिनकी तोंद होगी और तुम्हारे एप्स देख के वो कहेंगे कि वाह भाई वाह, क्या कमाल कर दी। तो अगर तुम ऊपर बताए गए रीजंस की वजह से जिम जा रहे हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे सिडक्टिव फोटोज डालने के लिए डाल रहे हो तो प्लीज डोंट डू दिस। ठीक है।